परफेक्ट तरीके से खुर्चन रबड़ी हमने किस तरीके से बनाई है ये आप आगे वीडियो में ज़रूर देखें और वीडियो में ऐसे ही बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप। और परफेक्ट तरीके से खुर्चन रबड़ी के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एकदम आसान तरीका और परफेक्ट तरीके से खुर्चन रबड़ी बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए तो शुरू करते हैं खुर्चन रबड़ी। और यहाँ पे लिए हमने कढ़ाई और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और अब हम इसमें सबसे पहले ये जो हमने नारियल को इस तरीके से कसा हुआ नारियल, कसे हुए नारियल को हल्का सा रोस्ट करेंगे। और इसके साथ में हम यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने इस तरीके से बारीक चॉप करके रखे हुए हैं, इनको भी इसके साथ में फ्राई कर लेंगे। और अच्छे से फ्राई हो गया, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। और देखिए इसके साथ में जो हमने यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट को बारीक चॉप करके जो हमने यहाँ पे फ्राई किया है, इससे क्या है कि जो हमारा खुर्चन रबड़ी बनेगी उसमें एकदम क्रंचीपन आएगा और ये छोटे छोटे से जो हमने पीस करके छोटे छोटे से वो एकदम क्रंची लगे। और आप उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा घी का इस्तेमाल हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ड्राई फ्रूट को हल्का सा हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे, बस थोड़ा सा इनका हल्का सा कलर चेंज कर लेंगे जिससे कि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। क्रंची होंगे तो हमारे जो खुर्चन रबड़ी होगी उसमें स्वाद एकदम लाजवाब। और अब उसी कढ़ाई में हमें क्या करना है यहाँ पे दूध हमें एकदम से ही डालना है जिससे कि हमारा दूध फटे ना। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी इस तरीके से, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म थी तो हमने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने यहाँ पे 1 गिलास मिल्क, आज हम 1 गिलास मिल्क से बनाएंगे खुर्चन रबड़ी। अब ऐड करेंगे मिल्क को। मिल्क अगर हम पहले ऐड कर लेते तो हमारा दूध फट जाएगा, अगर हम मिल्क को हम इस तरीके से गर्म कढ़ाई में रखेंगे तो हमारा दूध जो है वो फट जाएगा। और अब हम इसे एकदम हाई फ्लेम में एक उबाल आने देंगे। और जब हमारे हाई फ्लेम में एक उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम गैस को लो कर देंगे और मिल्क को अच्छे से पकने देंगे जिससे कि जो हमारी खुर्चन रबड़ी बनेगी वो एकदम लाजवाब और एकदम गाढ़ी। और दूध में हमारा एकदम उबाल आ गया है और अब हम इसे लो फ्लेम में आराम से पकने देंगे। हमें कम से कम समय में यहाँ पे खुर्चन रबड़ी बनाना है, वो भी स्वादिष्ट और लाजवाब एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे फूड कलर का यूज किया है, कलर के लिए हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला है इसमें। आपके पास में अगर केसर है तो आप केसर का यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल। और इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ये किशमिश, हमने 4 से 5 किशमिश है इस तरीके से बारीक चॉप करके रखी थी, किशमिश को भी ऐड करें। खुर्चन रबड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये इससे ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब इसी स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद। ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट। खुर्चन रबड़ी इस तरीके से हमें इसे खुरचना। ये देखिए इसका नाम ही खुर्चन रबड़ी है। इस साइड में जो हमारी खुर्चन लगी हुई है उसे इस तरीके से हमें निकाल कर इसके ऊपर से ऐसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी खुर्चन रबड़ी बनके तैयार हो। और अब इसे अलग से बाउल में और अब हम इसमें जो हमने साइड से जो खुर्चन निकाली है ये खुर्चन को भी इसमें इस तरीके से हम ये देखिए ये है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे फ्रूट्स को डेकोरेट किया जिससे कि जो हमारी खुर्चन रबड़ी है वो देखने में तो लाजवाब लगेगी और खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। एकदम परफेक्ट तरीके से कम समय में हमारी खुर्चन रबड़ी बनके तैयार हो गई है। ये देखने में जितनी लाजवाब लग रही है ये खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो। तो आपको हमारी आज की खुर्चन रबड़ी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ दयाल जी के ढाबा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एकदम कम से कम समय में आप भी घर पर इस तरीके से खुर्चन रबड़ी बनाएँ और अपने घर आए मेहमानों को भी खिलाएं और मेहमान भी आपके इस खुर्चन रबड़ी को खाकर बहुत ही खुश होंगे और आपकी खूब तारीफ करेंगे। आज की रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ में।